जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब। सूत्रों के मुताबिक सेना की जवाबी फायरिंग में दो पाकिस्तानी रेंजर्स हुए। सरहद पर पाकिस्तानी हरकतों का सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। साल 2018 में अब तक 22 पाकिस्तानी शहीद थे। सेना ने सरहद पर जारी किया अलर्ट। पाकिस्तान की बैक टीम बौखलाहट में कर सकती है हिंसक गतिविधि। सरहद पर थम नहीं रही पाकिस्तान की नापाक करतूतें। सूत्रों के मुताबिक पुंछ सेक्टर में देखे गए 3 से 4 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर। एलसी के 300 मीटर करीब आ गए थे हेलीकॉप्टर। नियमों के मुताबिक सरहद से 10 किलोमीटर तक है पाबंदी। इंडियन फिल्म्स एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल से खत लिखवाकर पाक कलाकारों को बैन करने को कहेंगे वासु बगनानी। बगनानी की फिल्म में राहत फतेह अली खान ने गाया है गाना। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने दी है पाक कलाकारों को बैन करने के मामले में हवा। फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में पाक कलाकार राहत फतेह अली खान के गाने पर जताई नाराजगी। वासु बगनानी की फिल्म है वेलकम टू न्यूयॉर्क। बाबुल की आपत्ति के बावजूद वासु ने तकनीकी कारणों से राहत के गाने को हटाने से किया इनकार। दिल्ली के मुख्य सचिव केस में आरोपी दोनों आप विधायकों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। 30,000 कोर्ट में 3:30 बजे सुना जाएगा मामला। आरोपी आप विधायकों मानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को कड़ी सजा दिलाने के लिए आईएएस एसोसिएशन ने कसी कमर। सीएम केजरीवाल को माफी मांगने के लिए दिए 3 दिन। अमानतुल्ला खान और जरवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप विधायकों का आज गृहमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी का आरोप मुसलमान और दलित होने की वजह से हुई कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी ने की आप सरकार की बर्खास्तगी की मांग। आज होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्य सचिव विवाद में मध्य प्रदेश आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन भी कूदा। मारपीट के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।